नमस्कार, आप सभी दर्शकों का डॉक्टर मंजुल जोशी YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता शैलपुत्री के बारे में। माता शैलपुत्री नौ दुर्गाओं में से प्रथम दुर्गा है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। यह पर्वतराज हिमालय की बेटी है। अपने पिछले जन्म में वह राजा दक्ष की बेटी थी, उनका नाम सती था। सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था, तब मैया सती ने अपने आप को यज्ञ अग्नि में भस्म कर लिया था। अपने अगले जन्म में मां ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और पुनः तपस्या कर भगवान शंकर को वर रूप में प्राप्त किया था। पार्वती, उमा, हेमवती भी माता के अन्य नाम है। मां के इस रूप में दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। ऐसी मान्यता है मां त्रिशूल से शत्रुओं का संहार करती है और कमल पुष्प ज्ञान का प्रतीक है। माता के माथे पर चंद्रमा भी सुशोभित है, इसलिए ऐसी मान्यता है माता की उपासना से जन्म कुंडली में चंद्रमा के बुरे प्रभाव भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इन माता का वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। माँ शैलपुत्री को मुख्य रूप से मूलाधार चक्र की देवी माना जाता है। माँ शैलपुत्री ही समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माँ के इस रूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को सफेद चंदन, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, कुमकुम और श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित की जाती है। माता शैलपुत्री को सफेद रंग अति प्रिय है। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता को सफेद वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए माँ की पूजा में सफेद फूलों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है और भोग आदि में भी सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। साथ ही सफेद रंग के वस्त्र भी माँ को अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा करने से रोगों का भी नाश होता है और हर संकट से माँ हमें बचाती है। माँ शैलपुत्री स्वास्थ्य प्रदायिनी और भय मुक्तिदायिनी है। इनकी आराधना से आरोग्य और जीवन में अभय प्राप्त होता है। यदि आपका मन कमजोर हो या आत्मविश्वास में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। इनका मंत्र जाप करने से कुंवारी कन्याओं को भी सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कलह हो तो माँ शैलपुत्री की पूजा से वह भी दूर होता है। इनका सरल मंत्र ओम शम शैलपुत्री देव्ये नमः है, या आप ओम शैलपुत्रे नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 की संख्या में जाप करना चाहिए। अत्यधिक जितना आप कर पाए उतना अधिक आपको लाभ होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री के बारे में कुछ जानकारी दी। यदि आपकी कोई एडिशनल क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को